नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रांजिट के बारे में, यानी कि जब एक ग्रह एक राशि में प्रवेश करता है इसे ट्रांजिट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गोचर। आज से यानी कि 22 सितंबर, दरअसल आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड हो जाएगी एक दो दिन में, तो आप देख लीजिए कौन सी तारीख है, यानी कि 22 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वीनस स्कॉर्पियो में यानी कि शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भी ये ट्रांजिट होता है तो इसका प्रभाव इंटेंस और डीप होता है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि 12 राशियों पर क्या असर हो रहा है इस ट्रांजिशन का, साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं लाइफ में। मेष राशि, आपके लिए ये ट्रांजिट इमोशनल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का योग बना रहा है। रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ी ऑनेस्टी और कमिटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई इशू चल रहे हैं लाइफ में, सॉल्व नहीं हुए कुछ बातें हैं, तो ये टाइम है दोस्तों रिलेशनशिप को थोड़ा हील कर लो। वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए वीनस का स्कॉर्पियो में प्रवेश एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट और सिक्योरिटी पर फोकस करेंगे। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ अनरिजॉल्व्ड इशू हैं, तो ये समय है उन्हें सॉल्व करने का। और फाइनेंशियली आपको अपने पैसों का ध्यान रखना होगा, स्पेशली अगर आपको आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई जॉइंट फाइनेंशियल वेंचर है, तो उन्हें थोड़ा केयरफुली देखने की जरूरत है। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए ये ट्रांजिट वर्क लाइफ बैलेंस करने के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालेगा। आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में थोड़ा बैलेंस बनाइए। रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट और डीप कन्वर्सेशन की भी जरूरत है। अगर पार्टनर से कमिटमेंट इशू चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, इन पे कंट्रोल रखिए। अननेसेसरी रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेस वगैरह चल रहा है जहाँ पे हैं अभी, वहीं पे स्टेबल रहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। ये ट्विस्ट और कुछ नहीं है, आपको इमोशनली थोड़ा स्टेबल रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बन सकते हैं। फाइनेंशियली आपको रिस्क टेकिंग से दूर रहना है, अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा निवेश से अभी बचें, अभी समय नहीं आया है। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, बब्बर शेर। आपकी राशि का ये जो भी प्रेडिक्शन है आपके रोल को बताता है। सिंह यानी कि जंगल का कौन, शेर। आपको फैमिली के थोड़े मसले होंगे, उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में। घर परिवार में थोड़ी सी कलेश वगैरह चल सकती है, अपने परिवार और घर के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज भी होंगे जो अचानक से सामने आएंगे, जिनके लिए हो सकता है रिलेशनशिप अफेक्ट कर जाए। इमोशनली स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा दिखाइएगा, आपके लिए थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन ये टाइम भी कट जाएगा। फाइनेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट में जो थोड़े बहुत इशू चल रहे हैं उभर के बाहर आएंगे, लेकिन अच्छी बात ये है सही एक्शन लेंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट पर अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने का काम करेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी बातें और क्लियरली ऑनेस्टली बोल सकते हैं। मतलब अगर सोच रहे हैं कि चलो बात कर लें, रिलेशनशिप को ले जाएं आगे, या क्रश वगैरह है उससे बात करना है, तो अच्छा समय है, कर लीजिए उपयोग में, मतलब ले लीजिए उपयोग में। समय आपके फेवर में है, आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव बनना होगा इस मौके का फायदा उठाने के लिए। फाइनेंशियली थोड़ी सी सेविंग्स करिए, एक्सपेंसेस थोड़े से कम करिएगा, क्योंकि एक्सपेंस का योग ज़्यादा दिख रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रश को इम्प्रेस करने में थोड़ा सा खर्चा कम करिएगा। अब बात करते हैं मेरी यानी कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि भैया हमारा जो ग्रह स्वामी है वो शुक्र ही है, तो शुक्र का ट्रांजिट जो होगा उसका सीधा असर हम पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में क्या असर पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम पंगे हो सकते हैं, मन इधर उधर भाग सकता है, तो इस समय पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं यानी कि जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, वहाँ पे भी थोड़ा सा टफ समय चल रहा है। ये जैसे ही ट्रांजिट खत्म होगा उसके बाद जो समय आएगा वो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, वृश्चिक। सीधी सी बात है, जब शुक्र वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो वृश्चिक के ऊपर तो सबसे खास असर पड़ने वाला है। तो आपके लिए अच्छा समय है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे फाइनेंस हो। फाइनेंस के लिए पहले बात कर लेते हैं, तो अगर कोई नए विचार आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहीं से कोई ऑफर लेटर आया है, जाना चाहते हो, शिफ्ट करना है, कर लीजिए, अच्छा समय है।
दूसरी चीज, रिलेशनशिप में भी अच्छा समय है। अगर आपका करंट पार्टनर है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, बात कर सकते हो, अच्छी बात है। सिंगल हो तो ये मिंगल होने का समय आई थिंक दिख रहा है। बस अपने घर में, फैमिली में थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है धनु राशि। धनु के लिए ये ट्रांजिट सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का योग बना रहा है। रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं, तो देखिए प्यार के जो मसले हैं इसमें एक नया मुकाम आने का समय आ चुका है। यानी कि कुछ रिलेशन हैं जो टूटेंगे, ब्रेकअप वगैरह हो सकते हैं, बट ये अगर दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। यानी कि पूरा प्रॉपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पार्शल इम्पैक्ट कह सकते हैं। तो लव के लिए थोड़ा सा संभल के चलिएगा। फाइनेंस की अगर बात करें, फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया है। फाइनेंस के लिए यानी कि पैसे से लेके, घर परिवार से लेके, वेल्थ से लेके, जहाँ भी आप ग्रोथ देखना चाह रहे हो, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हो, ये समय है, फ्यूचर प्लानिंग करिए। तो अब बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि मकर की तरफ। इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे। यानी कि अब इमोशंस ऊपर नीचे कब होते हैं, या तो किसी से सडनली प्यार हो जाए, या किसी से सडनली झगड़ा हो जाए, दिल टूट जाए, दिल जुड़ जाए, यानी कि ऐसा माहौल आपके साथ रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। और अगर जॉब वगैरह करते हो, कॉलेज वगैरह में हो, पैसे वगैरह किसी को दिए हैं, तो अभी मांग मत लीजिएगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं। और आगे भी अगर किसी को फेवर करते हो, मदद करते हो, ध्यान रख के किसी की मदद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए ट्रांजिट करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्ट करेगा। आप अपने बॉस या सीनियर के साथ रिलेशनशिप को बेटर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। फाइनेंशियली भी अपने करियर के थ्रू नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करिए, बहुत ग्रोथ है आगे। अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की तरफ, जो है मीन राशि। मीन वालों के लिए ये समय अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर सेल्फ पर फोकस करने का है। हो सकता है बहुत सारे जो मीन राशि के जातक हैं उनका भी रिसेंट ब्रेकअप हुआ होगा, रिलेशनशिप में हो सकता है कई मुकाम आए होंगे, तो रिलेशनशिप को लेके, लाइफ को लेके, करियर को लेके, सेल्फ पर यानी कि खुद पर फोकस करने का अभी समय बन रहा है। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़िए। फाइनेंशियली सचेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सपांसिस होंगे, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांसिस्ट है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सभी राशि में ज़्यादातर फाइनेंशियल बर्डन दिख रहा है, फाइनेंशियल एक्सपेंस दिख रहा है। तो इस ट्रांसिट का अर्थ ही ये होता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र धन संपत्ति देता है। और स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो प्रतीक है पानी का, पानी का काम क्या है, बहना। तो वो आपके इमोशंस को बहाता है, कभी कभी पैसों को बहाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। तो ये था डिटेल्ड 12 राशियों के लिए इस ट्रांजिट का असर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्णा।